जीनी ये कप चाय भी लेगी? जीनी चाय मिलेगी क्या? ये क्या तरीका है? चाय लैपटॉप पे? अरे दिस इज ग्रेट यार, देखो जीनी, जब भी तुम टीवी देखती हो ना, तुम्हें दूसरों का ख्याल ही नहीं रहता है। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ओके जीनी, आज ही मैं लोहा बाजार जाऊंगा, वहां से हथौड़ा खरीदूंगा और ये टीवी को तोड़ डालूंगा। जीनू, दीदू आपको दिख नहीं रहा है, मैं शांति का स्वाग देख रही हूँ। अब समय मिला अपने घर में मेहमान। जीनू, शांति का सुहाग शांति को संभालने दे, मुझे न्यूज देखनी है रिमोट से। दीदू आपको पता है ना, शांति का सुहाग मेरा फेवरेट सीरियल है, और पता है शांति की शादी हो रही है, वो भी चौथे बार। कितनी लकी है, और इस सभागन की एक बार भी शादी नहीं हुई, सब कुछ इस जूजू की वजह से। जीनू तो कितनी बड़ी नौटंकी है, ये क्या उठपटांग से टीवी सीरियल देखती रहती है, कभी कभार न्यूज भी देख लिया कर। रिमोट दे। दीदू शांति से मुझे शांति का सुहाग देखने दो। जीनू चल रिमोट दे। नहीं दीदू, शांति की शादी अभी होने वाली है, डिस्टर्ब मत करो। तो होने देना, न्यूज सुनना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जीनू जीनू रिमोट दे। नहीं यार, व्हाट इज दिस, ये रिमोट की लड़ाई देखकर मुझे ठाकुर और गब्बर की याद आ गई। ठाकुर ये रिमोट मुझे दे 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 दे। लड़ो लड़ो लड़ो। मैं नहीं दूंगी शांति का सुहाग। दीदू ये क्या है, ऐसा कोई करता है क्या? हाँ, क्योंकि मैं हूँ जिया, जो सोचा वो किया। अभी अभी ताजा प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चला है कि राज तारा ग्रिड के खराब हो जाने की वजह से पूरे मुंबई की बिजली बंद रहेगी। जीनू, जीनू की बच्ची क्या किया? दीदू इसे कहते जैसे करनी वैसे भरनी, एंजॉय। देख जीनू, हमेशा अपनी मनमानी मत क्या कर। अच्छा मनमानी मैं करती हूँ? दीदू आप मुझसे बड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पे मनमानी करोगी, आपके पास ऐसा कोई राइट नहीं है करने का। तो कहना क्या चाहती है, तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं बड़ी हूँ तो मैं हमेशा तेरा फायदा उठाती हूँ, मनमानी करती हूँ? हाँ। जीनू की बच्ची, ठीक है अब जब तेरे पास प्रॉब्लम होगी ना तब मेरे पास आना, जो आती है ना हमेशा, दीदू दीदू मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे वो गलती हो गई, दीदू आप तो मेरी बड़ी दीदू हो, मेरी हेल्प कर दो, तब मेरे पास आना, तब देखूंगी मैं तुझे जीनू की बच्ची। गुड बाय। चली गई, अब मैं काम कर सकता हूं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे बजरंगबली, तोड़ दे दुनिया की नली और दूर रखी हमसे कुवारी कली। हे बजरंगबली, आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि why me is doing too much prayer on you? Well, प्रभु जी, let me explanation on you. आपसे तो कुछ छुपाया नहीं जा सकता। प्रभु आप हमारी बात सुन रहे हैं ना? तो सबकी सुनते हैं। प्रभु जी आप प्लीज हमारे लिए फेवर कीजिए, ऐसा चमत्कार दिखाइए और हमको प्रमोशन दिलाइए, फिर देखिए हम 1.25 किलो बूंदी के लड्डू 7 मंगलवार तक आपके लिए चढ़ाते रहेंगे। थैंकिंग यू वेरी वेरी मच। ठीक है बच्चा, तुझे तेरी पूजा का फल मिलेगा सच्चा, बस जैसा जैसा जिया कहती जाए वैसा वैसा करता जा। प्रभु जी आपने हमसे बात की, हम सबसे लकी गंगा घाट के छोरे हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू।
प्रभु जी, वन क्वेश्चन प्लीज, आर यू श्योर कि हम जिया जी की हर बात सुने? आप सोचिए इस बारे में, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम वेट करते हैं आपका। हाँ। ओ, ठीक है प्रभु जी, जैसी आपकी इच्छा। आपने कहा इसलिए हम ये भी जहर पीने को तैयार। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी प्लीज, हमारी तसल्ली के लिए एक बार ये बात जरा रिपीट कर सकते हैं? रिप्ले? हाँ यू चीटर, देखे डिच नो नाइट, डिच नो गुड, डिच नो नाइट, ये भी कोई तरीका हुआ? एक इंसान पूजा में लीन है और आप आ गई मटकते हुए पूजा में विघ्न डालने, यू क्रेजी लेडी। अरे राहुल, मेरे होते हुए तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं एक चुटकी में जादू से तुम्हारे लिए कुछ भी ला सकती हूँ। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए? एक शानदार आलीशान घर, देखो तुम्हारा घर, ये तो बहुत शानदार घर है। दिच्छ माय, अरे ये घर क्या चीज है? तुम्हारे लिए मैं महंगी महंगी शानदार कार्स भी ला सकती हूँ। एक मिनट, ये देखो राहुल, ये संडे के लिए, वो वाली मंडे के लिए, वो ट्यूसडे के लिए, 7 कार 7 दिनों के लिए। मी लाइक वेरी वेरी मच, लेकिन ये सब पायलट की तनख्वाह में आ सकता है? अरे राहुल, तुम्हें पायलट रहने की क्या जरूरत है? तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी एयरलाइन शुरू कर सकती हूँ, राहुल एयरलाइंस। राहुल एयरलाइंस, दिस इज बेस्ट, ये तो हमें सबसे अच्छा लगा। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? हाउ तो सिंपल राहुल, तुम्हें बस मुझसे शादी करनी होगी। बस इतनी सी बात? नहीं, सो सारी बजरंग बली, हम कुछ वक्त के लिए बहक गए थे। देखिए, हम कितनी बार आपको बता चुके हैं कि हम है बाल ब्रह्मचारी और आप है कन्या कुवारी, और हम दोनों की कहानी आगे नहीं जाने वाली। आप जितनी भी चिराए मार ले, लेकिन हम आपकी जाल में नहीं फंसने वाले, क्योंकि हम ना देखते हैं दाएं ना देखते हैं बाएं, आज बिकॉज हम देसी बाय। ये बाय आपको ये बात कितनी बार बताए? ये भी बोरिंग है। ये तो महा बोरिंग है। आजकल टीवी पे सिवाय बोरिंग प्रोग्राम्स के और कुछ नहीं आता। देखिए मिस कनीज, आप टीवी को देखिए और मुझे काम करने दीजिए। देखो 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 देखो, अभी तक तो वो शांति की 5वीं शादी की तैयारी भी शुरू हो गई होगी। देखो 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 देखो, मिस ना हो जाए एपिसोड। मेरे प्यारे जूजू, शांति गई, कल वापस आएगी। देखो ना जूजू, टीवी पे कोई भी अच्छा प्रोग्राम नहीं आ रहा है, मैं बोर हो रही हूँ। काश ऐसा होता कि टीवी पे सारे मेरे पसंद के प्रोग्राम आते, कितना मजा आता। ऐसा तो तब होगा ना जब तुम खुद अपना चैनल खोलोगी। वाओ, जूजू का चैनल, क्या आइडिया दिया है जूजू, क्या दिमाग पाया आपने। गुड आइडिया, तो मेरे खुद के चैनल पे मेरे पसंद के प्रोग्राम आएंगे। उसका कोई भरोसा नहीं,
ये तो अपना चैनल खोल भी देगी। तो तुझे क्या है, खुलने देना, कम से कम थोड़े दिन वहां बिजी रहेगी, तो यहाँ चैन से काम करते रहना। खोलो खोलो, एक क्या दो तीन खोलो। पहले फॉर्मूला को ये दूसरे फॉर्मूला के साथ मिक्स कर देती हूँ, तीसरे को भी मिला देती हूँ, और फिर तीनों को तीन गुना कर दूंगी, फिर इस पूरे फॉर्मूला को पांच से घटा देती हूँ। गड़बड़ हो गई तो जीनिया, अपना कॉन्फिडेंस क्यों लूज कर रही है? तो क्यों भूल जाती है कि तू एक स्मार्ट जीनी है? चलो, लेट्स ट्राई। जो मेरे मन को सबसे ज्यादा भाए, वो इस टीवी पे आए। अरे वाह जूजू, आप तो डेली सॉन्ग करने लगे। चलो चैनल चेंज। एक विशेष सूचना, राज तारा ग्रिड के फेल होने की वजह से आज शाम को पूरे मुंबई शहर में पावर सप्लाई ठप हो जाएगी। न्यूज रीडर क्यूट, चैनल चेंज। दोस्तों, कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए अब आपको कश्मीर जाने की कतई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका दोस्त और होस्ट आपके लिए लेकर आए हैं कश्मीरी दम आलू की रेसिपी, जिसमें बहुत दम है। जूजू, आप तो सारे के सारे टीवी चैनल्स पे आ गए, टीवी स्टार बन गए आप तो। बीएच थिंकिंग के आपको हमारी बात समझ में नहीं आएंगे, इसलिए हम फिर से दोहराएंगे, हम आपकी जाल में नहीं फंसने वाले। यू हैविंग नो चांस ऑन मी। लेकिन राहुल, नो नो नॉट एट ऑल, यू प्लीज नो टॉक। हम आप दोनों बहनों से पक चुके हैं, पूरी तरह से थक चुके हैं। एक तो आप हैं जो हर वक्त हमें लुभाती रहती हैं, और एक आपकी छोटी बहन है जो हर समय हमें धमकाती रहती हैं। क्या जीनू ने तुम्हें धमकाया? हाँ, जीनू जी ने कहा कि अगर हमने कुछ बोला और किसी के सामने आपकी असलियत के बारे में अपना मुंह खोला तो वो बना देंगी हमें बर्फ का गोला। और तो और, वो हमें अंतरिक्ष में लटका देंगी। मम्मा। hey, जूनियर, क्या सीनियर के कदमों की आहट सुनते ही कपकपी छूटने लगी? I like that. hey, जिया, क्या तुम इन जूनियर टाइप लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट करती रहती हो? Spend some quality time with me. वेला, what's your problem? तुम हमेशा दूसरों के मामलों में अपनी नाक क्यों उड़ाते रहते हो? Oh, come on. मैं अपनी नाक कैसे उड़ा सकता हूँ? मेरी नाक सारस की नाक की तरह लंबी थोड़ी है। देखो मेरी नाक तो कितनी छोटी सी, क्यूट सी, स्वीट सी है। देखो, देखो, देखो। हाँ, exactly, तुम सही कह रहे हो। तुम्हारी नाक सारस जितनी लंबी कर देनी चाहिए। सर जी, यू इज हैविंग बिग नोज लाइक पिनोक्कियो। राहुल जूनियर, तू तू कर जिया। तो कश्मीरी दम आलू के बाद अब बारी है दोस्तों एक नई रेसिपी की, बैगन का भरता। जूजू, जूजू जल्दी आइए और देखिए इस कुकरी शो में आप कितने क्यूट लग रहे हो। देखिए ना, जूजू कहाँ गए? अभी तो यहीं बैठे थे। जूजू, जूजू देखे ना टीवी? अरे मैं यहाँ हूँ जीनी, मैं यहाँ हूँ। बैगन का भरता बना रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, जूजू
बैगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले हम बैगन को पानी में उबालेंगे ऐसे। गुस्से से उबल रहा हूँ, मुझे बाहर निकालो। आप इस टीवी के अंदर कैसे गए? अरे व्हाट इज दिस यार, मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारे पीछे बैठ के प्रोजेक्ट बना रहा था। दोस्तों याद रखिएगा, जब आप बैगन को पानी में उबाल रहे हैं तो पानी गर्म होना चाहिए। बहुत गर्म है, ज्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, बैगन जल जाएगा। एक बार बैगन उबल जाए उसे प्यार से बाहर निकालिए और उसके छिलके को प्यार से छीलिए। समझ गई, ये सारी गलती मेरी है। मैंने ही कहा था ना, जो मेरे मन को सबसे ज्यादा भाए वो इस टीवी में आए, और जूजू मेरे मन को सबसे ज्यादा भाते, इसलिए जूजू इस टीवी के अंदर चले गए। अब मैं क्या करूं, चैनल चेंज करके देखती हूँ। और अब मौसम की जानकारी। जैसे कि आप देख रही हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, ये 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 और ये भी। जी हाँ, यहाँ गरज के साथ चीजें बढ़ने की बहुत बहुत संभावना है। जूजू जीनी, जीनी व्हाट इज इट, जीनी जीनी मेरे बाहर आने की क्या संभावना है? अरे मुझे ऑफिस जाके प्रेजेंटेशन देना है। जूजू गुस्से की प्लेट को तोड़ दो और टेंशन के कप को फोड़ दो। देखो अभी मैं आपको इस टीवी के बाहर निकालती हूँ। अरे जीनी कुछ होगा कि नहीं, जल्दी करो। एक मिनट, क्रोध को त्याग दो, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ ये सब मनुष्य के शत्रु हैं। आत्मा को परमात्मा में लीन हो जाने दो। जीनी जीनी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बाहर निकालो। जीनी करती हूँ। जादू काम क्यों नहीं कर रहा? जीनी, जीनी मैं यही हूँ। जीनी व्हाट इज दिस? देखो जीनी, आज मैं अगर ऑफिस जाके प्रेजेंटेशन नहीं दे पाया ना जीनी, तो बहुत 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 बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। जू प्लीज नाराज मत होइए, और कभी ऐसा मत कहिएगा कि आप मुझसे बात नहीं करोगे। ये जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझ के थोड़ा किया है, आपको तो पता है ना मैं कितनी भोली हूँ। देखो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के डेट में मैं आपको ऑफिस भी पहुँचाऊंगी और प्रेजेंटेशन भी आप ही देंगी, प्रॉमिस। ओह, प्रिया का अभी मैसेज आया कि वो मेहता एंड मेहता कंपनी के एमडी के साथ मीटिंग में बिजी है, तो शायद वो नहीं आ पाएगी। तो हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं। राहुल, वेला और विकी कहाँ है? वेला बिग नोज व्हाट बिग बॉस, हमारा मतलब वेला से तो कैबिन में ही होंगे। कैबिन में, लेकिन इस वक्त तो उसे यहाँ होना चाहिए। वो एक्चुअली क्या है ना, वेला को जुखाम हो गया है, बहुत बुरा वाला। एक वेला, अभी के अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में आओ, राइट नाउ। या वेला को जुखाम हुआ है, विकी को क्या हुआ, फीवर? अरे कल हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंटेशन देनी है, जो विकी मुझे आज दिखाने वाला था। I just don't understand. Anyway, Rahul, क्या तुमने विकी को ऑफिस में देखा? Sir, इसके बारे में me is no have knowledge, लेकिन telling on you truth, from morning me is no see विकी sir. हाँ, मैंने भी नहीं देखा। मैंने तो ये वो लगेज के आज विकी ऑफिस में आया ही नहीं है। What? आज ऑफिस नहीं आया? Hello, hello. Hello sir, hello sir. Hello Vela, Vela. अब ये क्या हरकत है? पिनोकियो। हरकत नहीं है सर, ये बरकत है, नाक की बरकत है सर। ओ शायद आप बेला, ये क्या कर रहे हो? अपने मुंह से रुमाल निकालो। रहने दीजिए सर। बेला, मैंने कहा अपने मुंह से रुमाल हटाओ। अवॉइड करते हैं सर। मैंने कहा रुमाल हटाओ। बेला ये सब क्या है? हाँ, ये लंबी सी नकली चोट जैसी नाक लगाकर तुम यहाँ चले आए, तुम्हें क्या लगता है यहाँ मजाक चल रहा है? नहीं नहीं सर, ये नकली नाक नहीं है सर, असली नाक है। एक्चुअली ठीक ठीक के लंबी हो गई है सर, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था मुझे। ओ शट अप बेला, यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? टेक योर सीट। यस। कोई मुझे बताएगा कि विक्की कहाँ है? अरे जीनू तुम? हेलो सर, विकी सर ने मुझे भेजा है डीवीडी के साथ। कौन से पिक्चर की डीवीडी है? हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, व्हिच वन? ओ शट अप बेला, सॉरी सर।
सर, इस डीवीडी में वो प्रेजेंटेशन है जो विक्की सर प्रेजेंट करना चाहते थे। दैट्स फाइन, लेकिन आफ्टर ऑल विक्की है कहाँ?